यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। आज हम खेलने जा रहे हैं पावर वॉश। और हाँ गाइस यार, बहुत से बंदे कमेंट में स्पैम कर रहे थे कि यार फेस रिवील, देख लो भाई शक्ल को, देख लो। सो गाइस, ऐसी मजेदार सीरीज मेरे चैनल पे जल्दी ही आने वाली है। तो यार पावर वॉश सिमुलेटर। और गाइस, इस गेम में आपको लोगों की गाड़ी को साफ करना होता है और मॉडिफाई करना होता है बस, और उसी चीज के में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। सो गाइस, जिसने भी अभी देखा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे उज्जवल भाई ने हमें बोला कि आंखों में पट्टी वट्टी बांध ले, और यहाँ पे गाड़ी में मुझे पता नहीं कहाँ लेके आ गया। और उज्जवल भाई यहाँ से अपनी लंबोर्गिनी सियान लेके चले गए। उसने बोला कि यहाँ पे तुम्हें साफ सफाई करनी है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, ये तो टेक्नो गेमर्स की विंटेज कार है भाई, मोस्ट एक्सपेंसिव, जो हमने मानी से चुराई थी भाई साहब। यहाँ पे उज्जवल भाई ने भाई मुझे कहाँ फंसा दिया भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाइस देख सकते हो कितनी गंदी कार है। बट गाइस यार, पैसे के लिए भाई मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, टेक्नो पावर वॉश की कंपनी ज्वाइन करी है, जिसमें मुझे टेक्नो गेमर्स की गाड़ी को साफ करना है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मुझे पता भी नहीं क्या करना है। ये मेरे हाथ में पता नहीं क्या, ये पिचकारी से देखो जरा भाई साहब, ये क्या चीज है, पौधों में पानी दे रहा है क्या। रुक जाए, मैं एक बार देखे देखता हूँ भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। काम करते हो, गाड़ी पे थोड़ा मार के देख लेता हूँ भाई साहब, गाड़ी की हेडलाइट भाई एक मिनट रुक जाए, यहाँ से मैं साफ करता हूँ भाई साहब। देख सकते हो भाई, गाड़ी कितनी ज्यादा चमक गई। मैं समझ गया, टेक्नो गेमर्स ने हमें काम सौंपा है कि तुम्हें गाड़ी को साफ करना है, फिर तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तो फटाफट से यार गाड़ी को साफ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गाइस एक काम करते हैं ना, टायर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ना इसके टायर साफ कर लेते हैं भाई साहब। कितने गंदे टायर हैं यहाँ पे, कहीं शैम्पू वैम्पू साबुन वाबुन नहीं पड़ा गया। रुक जाए, मैं देख लेता हूँ। अबे यार कुछ भी नहीं दिया, मतलब एक पिचकारी सी दे दी सस्ती थी। रुक जाए, ये क्या चीज़ है अभी भाई। रुक जाए, काम करता हूँ, सबसे पहले ना ये हेडलाइट साफ करता हूँ। बस यार अलग अलग टाइप की नोजल है भाई, ये काम करता हूँ। पहले ना बाहर बाहर से ना गाड़ी साफ कर लेता हूँ भाई साहब। पहले ना ऊपर ऊपर की सारी मिट्टी निकाल लेता हूँ। गाइस देख सकते हो भाई, गाड़ी कितनी चमकने लग गई अभी से। रुक जा, ये ले भाई साहब, ऊपर ऊपर की। तो गाइस मैंने सारी की सारी मिट्टी हटा दी। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो भाई। रुक जा, इसके ऊपर चढ़ के ना सारा का सारा मैं यहाँ पे बोनट साफ कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो भाई, गाड़ी कितनी एकदम नई जैसी लग रही है। अभी भाई गंदी सी लग रही है। अबे यार भाई रुक जा, एक काम करता हूँ, ये क्या चीज़ है। ओ भाई ये तो पिचकारी है। अरे भाई ये ले भाई साहब, क्या ही मस्त पिचकारी है यार, देख सकते हो यार। चलो यार बिना किसी टाइम के भाई गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। टेक्नो उज्जवल भाई यहाँ पे आ गए ना भाई, चप्पलों से भूत बना देगा भाई मेरा यार। फटाफट मैं पहले यार गाड़ी को साफ करूँ। ये ले भाई साहब, कितनी मस्त लग रही है भाई हाईलाइट। रुक जा, यहाँ से भी मार ले तो एक बार भाई एकदम मस्त लग रहा है यार। सबसे पहले टायर से स्टार्ट करते हैं। ये ले भाई, पानी भी वेस्ट नहीं करना यहाँ पे भाई। उज्जवल भाई ने मुझे बोला कि पानी को तुम्हें कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना यार। तो फटाफट से सबसे पहले तो भाई इसके टायर को साफ कर लेते हैं भाई। इसका टायर तो साफ हो ही नहीं रहा। रुक जा, थोड़ा सा घुस के मैं काम करता हूँ, दूसरा वाला पिचकारी ले लेता हूँ यार। इससे भी साफ नहीं हो रहा, इससे देखता हूँ, इससे भी साफ नहीं हो रहा भाई। ये कितनी भद्दी सी पिचकारी। रुक जाए, इसे साफ करता हूँ भाई साहब, इसे साफ हो रहा है। रुक जा, मैं धीरे धीरे ना यहाँ पे साइड से पहले इसको पोंछ लेता हूँ भाई एकदम नया जैसा टायर लग रहा है। रुक जा, थोड़ा सा मैं इसको इधर भी मार देता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब सही लग रहा है भाई, एकदम खतरनाक भाई साहब। टायर तो एकदम चमकने लग गया यार। पहले शीशे साफ कर लेते हैं भाई। रुक जा, शीशे साफ कर लेते हैं भाई साहब, क्या ही मस्त शीशा लग रहा है। गाइस देख सकते हो भाई ये क्या हुआ भाई। पहले काम करते हैं, सारे के सारे शीशे चमका लेते हैं। सो गाइस देख सकते हो भाई, दो शीशे यहाँ पे चमक गए। पीछे भी अभी कौन सा शीशा है, चलो इसे भी साफ कर देते हैं भाई साहब। ये भी हो गया, रुक जाए ये वाले भी कर लेते हैं। इधर भी भाई, इधर से मैंने पूरा का पूरा सारा का सारा शीशा साफ कर दिया। रुक जाए, इधर भी साफ कर देता हूँ भाई। वैसे गाड़ी को साफ करना यार बहुत ही आसान है, बट भाई अब मैंने कंपनी ज्वाइन करी है तो मुझे यार उज्जवल भाई का सारा काम करना पड़ेगा यार। तो एक काम करते हो, सबसे पहले ये वाला सीधा साफ कर देता हूँ आगे वाला। और भाई गाड़ी देख सकते हो बहुत एक्सपेंसिव कार है। यहाँ पे भाई उज्जवल भाई ने मुझे बोला अगर गाड़ी को कुछ भी हुआ ना तो मेरी जॉब कैंसिल हो जाएगी, कोई भी पैसा वैसा नहीं मिलेगा। तो भाई मुझे आराम से गाड़ी को साफ करना पड़ेगा। रुक जा, पहले मैंने इसका बैक वैक साफ कर लिया तो बिल्कुल प्यार से। रुक जा, ये ले भाई साहब, रुक जा, ये ले, हो गया, बस हो गया। गाइस देख सकते हो भाई, पीछे से कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है भाई। रुक जा, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे बैठ के ना इसका बम्पर भी यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ। बस हो गया, हाँ बस। अबे पता नहीं यार गाइस, देख सकते हो उसके ऊपर भाई, मतलब ये सालों से बहुत पुरानी कार है और उज्जवल भाई ने बहुत टाइम बाद निकाली है यार।
चलो कोई नहीं भाई, इसे मैं जल्दी से साफ कर दूँ। तो पहले टैची वैची खोल के देख लूँगी, अभी सामान वगैरह पड़ा होगा ले लेता हूँ। वो भी कोई बताना मत, बता दूँ कमेंट में स्पैम मत करने लग जाना भाई। चुपचाप से ना इसके बैग में से कुछ पैसे वैसे पड़ा होगा तो निकाल लूँगा। ये कोई जो भाई को बता मत देना, बहुत मारूंगा मैं। तो एक काम कर, तो पहले देख सकते हो भाई पूरी ये साफ। एक मिनट, इधर भी गंदगी दिख तो रही है। काम कर तो पहले ना मैं इधर से साफ कर लेता हूँ भाई। भाई 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 क्या ही मस्त तरीके से साफ हो रहा है। रुक जा बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। पहले ना चारों तरफ से ना पानी वानी गिर के ना इसको हल्का हल्का साफ कर लेते हैं भाई। ये देख सकते हो भाई शीशे पे पूरा जंग लगा हुआ। रुक जा शीशे को मैं कैसे साफ करूँ, ये तो बेकार है, इसे साफ कर लो। तो भाई साहब क्या ही शीशा चमक रहा है, देख सकते हो। रुक जा ये ले भाई साहब क्या ही शीशा चमक रहा है। इसके साइड से भाई थोड़ी गंदगी मच रही है, यहाँ से भी साफ कर देता हूँ। अब सही लग रहा है यार शीशा, एकदम मस्त लग रहा है ना। थोड़ी सी मैं आगे से साफ कर देता हूँ शीशे को। भाई साहब क्या ही मस्त शीशा लग रहा है यार। अब एक काम करता है, थोड़ा सा ना आगे से साफ कर लेता हूँ पहले। भाई इससे तो साफ हो ही नहीं रहा यार। एक काम करता हूँ पहले ये वाला टायर साफ कर लेता है। रुक जा ये ले भाई साहब क्या ही मस्त टायर लग रहा है यार। रुक जा इधर से साफ कर लेता हूँ पहले मैं। हो गया भाई फाइनली। अबे अभी भी गंदगी बची है, इसको कहाँ से साफ करूँ मैं। एक काम करता हूँ पहले मैं साइड की मिट्टी विट्टी हटा लेता हूँ यहाँ से। भाई साहब एक ही बारी में सारी की सारी मिट्टी निकल गई यार। बट भाई पता है क्या, इस मतलब इस नेट के अंदर अभी भी बहुत सारी मिट्टी घुसी हुई है। और गाइस देख सकते हो यहाँ से मैंने भाई ऊपर से सारी की सारी मिट्टी हटा दी। रुक जाए काम करता हूँ मैं इधर से भी इसको मैं हटा देता हूँ। बस थोड़ा सा मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूँ और नीचे की भी सारी मिट्टी हटा देता हूँ। भाई कितनी ज़्यादा गंदी कहाँ रहे भाई, 100 साल में अब निकाले उज्जवल भाई ने आज। रुक जाए काम करता हूँ पहले तो मैं इसको पूरी हल्की हल्की मिट्टी हटा लेता हूँ। ये ले इधर से भी साफ हो गया भाई, एकदम परफेक्ट हो गया भाई। देख सकते हो ये मैंने 2 सेकंड में गाड़ी को एकदम मस्त बना दिया भाई साहब, मज़ा आ गया यार। वैसे भाई चीटिंग नहीं करनी भाई, पूरा इसको मैं तगड़े वाला साफ कर देता हूँ गाइस। और गाइस देख सकते हो भाई साहब, और गाइस एक चीज़ कमेंट में मुझे बता दो, आपको उज्जवल भाई की सबसे तगड़ी कार कौन सी लगती है, फटाफट कमेंट करके बता दो भाई। भाई मैं अपनी बताऊँ तो मेरी लगती है भाई लंबोर्गिनी सियान, सबसे बेस्ट लगती है मुझे। और अभी उज्जवल भाई वो भी लेके आए थे तो भाई जल्दी से यार मुझे वो भी साफ़ करना होगा। पहले उससे पहले तो भाई हमारी पहली जॉब है, तो यहाँ पे उज्जवल भाई ने बोला अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें और भी काम बहुत सारा ऊपर से साफ़ कर लेते हैं। रुक जा इधर भी मिट्टी हो रही है। ये ले इधर से भाई पूरा साफ़ कर दिया। रुक जा बम्पर तो भाई पूरा मैंने सही से साफ़ कर दिया। एक काम करता हूँ गाइस, कहीं पर गंदगी बची है तो मुझे कमेंट में बता देना यार, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँ यार। रुक जा इधर से भी साफ़ कर ही देता हूँ मैं। भाई साहब कितना ही मज़ा आ रहा है भाई गाड़ी साफ करने में, देख सकते हो यार। भाई देख सकते हो साइड से पूरी की पूरी गाड़ी भाई चमक चुकी है भाई, एकदम नई जैसी हुई। काम करो उज्जवल भाई को फ़ोन करके बोल दूंगा गाड़ी साफ हो चुकी है भाई। बट यार मुझे अभी भी यार गंदगी सी यहाँ पे लग रही है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पोर्ट से वो भी बचा है तो एक काम करता हूँ पहले तो उसके ना आगे से बम्पर साफ़ कर देता हूँ ऊपर चढ़ के। भाई साहब इसकी गाड़ी टूट ना जाए, अगर बाई चांस भाई शीशा वीशा कुछ भी टूट गया ना भाई, उज्जवल भाई मेरे पे चढ़ जाएंगे भाई कि तूने क्या किया अभी देख। भाई साहब एक काम करता हूँ पहले तो मैं ऊपर से धीरे धीरे इसको मैं साफ कर देता हूँ भाई। देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा साफ हो गया। करते हैं मेटल क्लीनर ले लेते हैं एक बार और उससे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है भाई। नहीं यार इससे तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा कुछ भाई, बेकार है मतलब लोकल कंपनी का यार। एक काम करता हूँ मैं ना इस पिचकारी से साफ़ कर लेता हूँ। ओबे इससे भी नहीं हो रहा, जैसे साफ करके देखता हूँ। हाँ इससे हो रहा है साफ, तो फटाफट से यार इससे हम साफ़ कर लेते हैं। बट यार इससे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, करीबन यार 1 घंटा लगने वाला है। देख सकते हो भाई पूरी अभी भी गंदगी मची हुई है, क्या ही बताऊँ यार। तो एक काम करते हैं सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन सी गन्स है। और यहाँ पे तो भाई ये नोजल्स, अच्छा नोजल्स तो मैंने देख लिया और पानी में मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे ये कौन सी गन है, शॉर्ट एक्सटेंशन, ये वाली चला के देखते हैं भाई। इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, कुछ भी साफ़ नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ इसे चेक करके देखता हूँ। भाई साहब इससे भी नहीं हो रहा है। कहाँ ये कौन सी है, प्राइम विस्टल, इससे देखते हैं एक बार। हाँ भाई तो फाइनली भाई मुझे एक गन मिल चुकी है जिससे भाई ये चीज़ साफ़ हो रही है भाई। तो इसको पहले इनका जंक हटा के देखते हैं इस गाड़ी का। इकेले भाई साहब इधर से हटा के देखता हूँ मैं एक बार। भाई ये सही लग रही है मुझे, इससे भाई हट रहा है मेरा फाइनली, वो जो गंद है ना वो हट रहा है। ये वाली गन भाई ज़्यादा अच्छी है। रुक जा इसके यहाँ का ना पाइप का जंग हटा लेता हूँ। भाई पूरी गंदगी यहाँ से हट चुकी है। रुक जा थोड़ा सा नोजल घुमा के मैं यहाँ से साफ करता हूँ। रुक जा एक मिनट। सो गाइस देख सकते हो भाई यहाँ पे मैं काम करता हूँ इस वाले पाइप को पूरा का पूरा साफ कर लेता हूँ। एक बार गाड़ी को ना पानी से एक बार और धो देता हूँ जिससे भाई अच्छी खासी क्लीन हो जाए। पूरा का पूरा मैं साफ़ कर देता हूँ यहाँ से भाई। हाँ ये स्प्रे सही है भाई। रुक जा थोड़ा सा मैं इधर से कर लेता हूँ।
और थोड़ा सा मैं आगे से भी साफ कर लेता हूँ। थोड़ी वोड़ी जितनी भी गंदगी होगी ना, सब की सब यहाँ पे साफ हो जाएगी। पूरा का पूरा मैंने व्हील व्हील सब कुछ साफ कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो, रुक जाइए, वाला व्हील भी मैं साफ कर देता हूँ और पूरा का पूरा यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ। चारों तरफ से मैंने पानी फेंक दिया, जिससे क्या होगा, अब कहीं भी थोड़ी भी बहुत गंदगी बची होगी ना तो साफ करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। काम करते उसके ऊपर का ना ये बोनट भी साफ कर देता हूँ, और बोनट के बाद ऊपर ये जितनी भी गंदगी है ना, ये भी मैं इसको अच्छे से साफ कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, क्या ही कार शाइनिंग मार रही है भाई भाई, मज़ा आ गया। अब गाइस एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत गंदगी बची है उसको हम इस पिचकारी से साफ कर लेते हैं। भाई बस थोड़ा सा और येले हो गया, यहाँ भी थोड़ी सी गंदगी हो रही है, रुक जाए इधर भी मैं साफ कर लेता हूँ। भाई बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया, रुक जाए इधर थोड़ी सी गंदगी हो रही है, इधर मैं साफ कर देता हूँ बड़े प्यार से। ये भी साफ हो चुका है, इस साइड देख लेते हो, इस साइड कोई भी गंद नहीं है। रुक जाए यार, ये थोड़ा सा इसमें जंग वंग लग रहा है, इसे मैं निकाल देता हूँ। सो यहाँ पे भी भाई मैं निकाल चुका हूँ, टायर साफ कर लेते हैं पहले तो। बार बार जो वाइट वाइट है ना, इसे हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। रुक जाए, ये ले अब हो गया ना एकदम मस्त वाला साफ हो गया भाई टायर। रुक जाए थोड़ा सा ये अंदर से बचा यार, इसे भी मैं साफ कर देता हूँ। थोड़ा मैं नीचे लेट के चेक कर लेता हूँ कि आए हाय टायर तो भाई अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। रुक जा थोड़ा सा ना, मैं इसको भी कुत्ता कौन भोग रहा है भाई, काट लेगा ये। रुक जा, कुत्ता तो नहीं है ना भाई, ये पता नहीं चौब वो अपना आ गया हो यार। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इधर से इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से। ये भी हो चुका है, अच्छे से साफ हो गया यहाँ से। तो थोड़ा मैं इस साइड से चेक कर लेता हूँ, मैंने अभी तक तो दो टायर साफ कर दिए अच्छे से यार, बाकी का मुझे पता नहीं। रुक जा यहाँ से भी हो चुका है भाई फाइनली। ये वाला टायर भी भाई पूरा एकदम से क्लीन हो चुका है, एक भी गंदगी नहीं है इस टायर में। अब ये वाले टायर को साफ करते हैं पहले तो वाइट से। रुक जा, ये ले थोड़ा सा और बचा है भाई, बस इधर से तो हो गया साफ, थोड़ा ऊपर से बचा है, इधर से कर लेता हूँ और साइड से भी चेक कर लेता हूँ। नीचे से तो गंदगी नहीं है ना। अरे भाई साहब इसका बम्पर तो ये रह गया। रुक जा इसको मैं साफ कर देता हूँ भाई साहब। इस साइड देखता हूँ, इस साइड तो कोई गंदगी वंदगी नहीं, इस साइड थोड़ी सी गंदगी है, इसे साफ कर देता हूँ पहले मैं। और गाइस देख सकते हो ये वाला टायर भाई कितना ज़्यादा नया हो चुका है भाई भाई, अब बिल्कुल भी गंदगी नहीं बची है। रुक जा मैं चारों तरफ से यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। हेलो, हाँ मोहित भाई, क्या क्या कर रहे हो? सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये दोनों टायर भी साफ़ हो चुके हैं फटाफट से। भाई सबसे पहले आगे वाला बम्पर साफ कर देते हैं, इसके अंदर मैंने यार शैम्पू वैम्पू भर लिया है। तो एक काम कर दो, पहले मैं इस वाली बम्पर वाली लाइन को साफ कर देता हूँ। ये भी फाइनली साफ़ हो चुके हैं। रुक जाए इस साइड भी देख लेता हूँ, थोड़ी और गंदगी वंदगी बची है। रुक जाए इधर से भी साफ हो चुका है ये बल्ब, इधर से भी साफ कर लेता हूँ, थोड़ा इधर से भी कर लेता हूँ। भाई पूरा ही आगे का साफ हो चुका है, आगे की जो जाली है ना थोड़ी सी गंदी हो रही है। काम करते हो इस पिचकारी से साफ कर लेता हूँ मैं। रुक जा, ये ले भाई इसका पूरा का पूरा इंजन भी साफ हो चुका है। रुक जा इसके पीछे से ये भी साफ कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा ना ये बल्ब ऊपर से गंदा सा हो रहा है। रुक जा, ये ले काम करते हो इसमें ना, ये बबल वाला चला के देखता हूँ, ये शायद इससे साफ हो जाएगा। मैं रिफिल मार देता हूँ, थोड़ा मैंने कर लिया इसे भी साफ। और यहाँ भी देख सकते हो चारों तरफ से भाई गंदगी मिट चुकी है भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब गाइस मुझे बता दो भाई कि गंदगी कहाँ पे बची है? अरे भाई टायर गंदा सा लग रहा है, रुक जाए टायर साफ कर देता हूँ पहले तो मैं अच्छे से। इससे नहीं होगा, ये शायद पिचकारी से होगा। रुक जाए पहले मैं इसका वाइट साफ कर देता हूँ भाई। ये जो ट्यूब है ना भाई साहब, इसको साफ करने में ना भाई बहुत टाइम लगता है भाई, कम से कम। रुक जा थोड़ा सा मैं इसके टायर, है कितना गंदा टायर हो रहा है भाई। रुक जा, ये ले इधर से भी भाई फाइनली ये वाला टायर भी साफ हो चुका है। अब ये वाला टायर शायद बचा है भाई। रुक जाए काम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से पहले नीचे से पूरा साफ कर देता हूँ और साइड से एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ इधर से भी भाई मैंने फाइनली साफ कर दिया। अब इसके ऊपर ना बुलबुले वाला पानी गिर देता हूँ, जिससे भाई जो भी गंदगी होगी ना थोड़ी बहुत वो भी भाई निकल जाएगी मतलब अच्छे से। रुक जा, ये ले इधर से भी भाई पूरा अंदर से मैंने चारों तरफ से साफ कर लिया। अब ये वाला टायर बचा है, पहले तो इस टायर को मैं शैम्पू से धो लेता हूँ अच्छे से और इसके बाद मैं इसके ऊपर पानी से साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर से साफ कर लेता हूँ भाई। बस अब से ही लग रहा है यार। रुक जाए इस साइड से भी मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। सो गाइस ये वाला टायर भी अच्छे से साफ हो चुका है। इस साइड देख लेता हूँ कोई गंदगी वंदगी बची हो तो पूरा साफ कर लेता हूँ मैं। ये ले इधर से भी साफ कर दिया, इधर से भी साफ कर दिया मैंने। अब एक काम कर दो, पीछे ना दोबारे से बुलबुले का पानी गिरा लेता हूँ, जिससे भाई ये मेटल पे जितनी भी गंदगी हो ना वो निकल जाएगी। रुक जा बस थोड़ा सा और बस ये हो गया। और यहाँ से पूरा डब्बा वब्बा मैं सब कुछ साफ कर लेता हूँ। रुक जा ये भी साफ हो चुका है। मुझे यहाँ पे गंदगी देखने की, गंदगी कहाँ कहाँ बची है मुझे ये बताओ। ये देखिए ये वाला पाइप बहुत गंदा हो रहा है, पहले इस पाइप को साफ कर लेते हैं। रुक जा अच्छे से मैं इस पाइप पे पहले पूरा का पूरा डाल देता हूँ। ये वाला पाइप भी भाई साफ हो चुका है, बस गंदगी देखो अब कहाँ कहाँ बची है भाई। एक मिनट यहाँ पे ना इसके इस वाले प्लग पे जंग लग रहा है। रुक जाए इसे मैं साफ कर देता हूँ भाई। ये भी फाइनली ये भी साफ हो चुका है, ये तो साफ है ही। रुक जाए यहाँ पे थोड़ा यार ये शीशा गंदा हो रहा है, शीशे को मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ यार।
रुक जा बस सही है, और थोड़ा सा पिचकारी फेंक के क्लीन कर देता हूँ, जो जो थोड़ा बहुत बचा है ना उसे भी मैं क्लीन कर देता हूँ। और अब ना इसके बोनेट पे चेक कर लेते कि क्या क्या गंदगी है। रुक जा वो मेटल वाला निकाल लेता हूँ, बस ये भी साफ़ हो चुका है। थोड़ा सा मैं ऊपर से साफ़ कर देता हूँ, जो जो भी गंदगी है ना वो सब हट जाएगी एक चुटकी में। रुक जा इधर से भी साफ़ हो गया, इधर से भी मैं इसको कर लेता हूँ। अब देख लेता हूँ ब्लैक स्पॉट्स कहाँ कहाँ बचे हैं भाई, इधर तो मुझे दिख नहीं रहा यार ब्लैक स्पॉट्स का यार। रुक जा इधर से मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा भाई ऊपर से भी, इधर से भी हो चुका है, इधर भी हो चुका है। अब ये ऊपर ना कुछ ये ब्लैक स्पॉट्स बचे हैं, इसको ना पिचकारी से साइड करते हैं। रुक जा ये भी मैंने इधर से भी साफ़ कर दिया, इधर से भी साफ़ हो गया, इधर एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ इधर से भी भाई साफ़ हो चुका है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर भी साफ़ कर देते हैं भाई साहब। अब बता दो कोई भी गंद, एक मिनट यार इधर भी गंदगी बची है भाई 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 भाई, नहीं तो भाई अगर मैंने कहीं भी गंदी पहुँच के दी ना भाई, ये चैट में स्पैम मत कर देना भाई। रुक जा भाई, एक काम करता हूँ इधर से इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। थोड़ी बहुत यहाँ पे बची हुई है मिट्टी विट्टी, इधर भी लगी हुई है, और बता दो कहाँ पे मिट्टी विट्टी बची है। एक मिनट, इस साइड से थोड़ी सी मिट्टी विट्टी बची हुई है। रुक जा बस, इधर से तो भाई फाइनली साफ़ हो चुका है, इधर से भी थोड़ी बहुत मैं कर देता हूँ। रुक जा थोड़ा सा है, इधर तो गंदगी थोड़ी सी दिख रही है मुझे यार। रुक जा इधर से साफ़ कर देता हूँ पहले तो मैं, बस ये तो साफ़ हो चुका है भाई अपना। रुक जा इधर भी थोड़ा सा दिख रहा है, बस फाइनली एक मिनट, इधर किसी ने गुटखा ठूका हुआ है। रुक जा इसे भी मैं फटाफट से साफ़ कर देता हूँ भाई। रुक जा ये ले भाई साहब बड़ी मस्त भाई यहाँ पे कारवार साफ़ हो चुकी है यार। अब बस ये मुझे ये बता दो कि भाई पूरी गाड़ी में गंदगी कहाँ कहाँ मची है। तो पहले मैं चेकआउट कर लेता हूँ सारे के सारे भाई टायर में अभी पहुँच चुका है। काम करता हूँ सबको ना मैं साबुन के पानी से दोबारा धो देता हूँ, जो जो भी गंदगी बची होगी ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो एक फटाफट से मैं यार यहाँ पे शैम्पू निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा शैम्पू है मेरे पास। ये क्या चीज़ है, प्लास्टिक क्लीनर। ये क्या है प्लास्टिक क्लीनर, एक बार इसको मार के देख लेते हैं। एक काम करते हैं जो जो मेरे पास बोतल है ना उन सब से ना एक एक करके ना सब कुछ साफ़ कर लेते हैं, जो भी प्लास्टिक का होगा ना, मतलब प्लास्टिक का गाड़ी में वैसे होता तो नहीं बट फिर भी भाई बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। रुक जाए मैं बिल्कुल ऊपर तक अच्छे से इस गाड़ी को मैं 2-3 बार साफ़ कर देता हूँ अपना प्लास्टिक क्लीनर से। तो भाई मैंने पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ से भी पहुँच जाता हूँ, इस गत्ते भी पहुँच देता हूँ भाई साहब, पूरी की पूरी गाड़ी अब चकाचक लग रही है भाई। उज्जवल भाई मेरे से इस काम से खुश हो जाएंगे और उज्जवल भाई मुझे और भी बहुत सारा काम देते रहेंगे। तो भाई यहाँ से तो मैंने भाई पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया। रुक जाए इधर से भी मैं साफ़ कर लेता हूँ पूरी की पूरी, यहाँ पे मैंने छत भी दोबारा साफ़ कर दिया। अब एक काम करता हूँ भाई प्लास्टिक क्लीनर तो हो गया, यहाँ पे मेरे पास है स्टोन क्लीनर है एक तो, और ये क्या चीज़ है मल्टीपर्पज़ क्लीनर, और ये है वुड क्लीनर। यार गाड़ी में लकड़ी का क्या यूज़ हो सकता है, लकड़ी छोड़ो लकड़ी तो बेकार यार। एक काम करते हैं मल्टीपर्पज़ क्लीनर से साफ़ करके देख लेते हैं, कुछ भी अगर चीज़ बची होगी ना तो ये मल्टीपर्पज़ जो है ना एक बारी में सारा का सारा क्लीन कर देगी, जो भी 1% गंदगी वंदगी बची होगी। तो मैं दोबारा से गाड़ी को भाई साफ़ वाफ कर देता हूँ। रुक जा इधर भी कोई गंदगी नहीं बची, एक बार गाड़ी के नीचे वीचे मैं चेक कर लेता हूँ, जरा सी भी कोई भी गंदगी मची होगी तो वो भी 1 सेकंड में साफ़ हो जाएगी यहाँ पे। यार अब तक तो भाई मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया और कोई भी मुझे गंद, एक मिनट दरवाज़ा थोड़ा सा गंदा था यार, एक मिनट पहले मैं दरवाजे को थोड़े अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब शायद दरवाजे ही मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया था, तो दरवाजे भी भाई अब क्लीन हो चुका है। इसका बोनट भी भाई मैं ऊपर से साफ़ कर देता हूँ फाइनली, इधर से भाई मैं साफ़ कर चुका हूँ, और ये पूरा का पूरा भी टायर भी साफ़ हो गया। रुक जा मैं दरवाजे पर अच्छे से मार देता हूँ, जैसे दरवाजे में कोई भी गंदगी होगी ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी यार। तो यहाँ पे मैंने भाई हर जगह मार दिया, दरवाजे भी भाई अब क्लीन हो चुका है, और पीछे की साइड से भाई थोड़ा सा रह गया था, इस साइड से भी मैं हल्का फुल्का मार देता हूँ, और भाई पूरी की पूरी यहाँ पे मेरी गाड़ी साफ़ हो चुकी है। और इसके अंदर एक मशीन सी है, इसके अंदर मुझे दिखा रहे हैं कि आपने गाड़ी को 97% साफ़ कर लिया और कुछ 1% एक चीज़ रहती वो आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तो एक काम करते हैं हमने भाई कौन कौन सा इस्तेमाल कर लिया, हमने यार ग्लास क्लीनर तो करा नहीं, एक बार ग्लास क्लीनर कर लेते हैं साहब, जो जो मतलब ग्लास की चीज़ होगी ना शाइनिंग वाली वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, है ना, सही बात है ना। तो एक काम करते हैं इसको ना मैं ग्लास पे मार देता हूँ, जो जो यहाँ पे ग्लास है ना उन सब पे मार देता हूँ, जिससे भाई जो ग्लास है ना वो अपने शाइन वाइन करने लग जाए यार। रुक जाए इधर भी मार दिया, इधर भी हो गया, सारे के सारे मैंने ग्लास पे मार दिया है, अब बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुकी है भाई। रुक जा पूरा का पूरा भाई यहाँ पे ग्लास सारा का सारा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैं बस और क्या क्या बचा है, मेटल क्लीनर तो हो गया था, स्टोन क्लीनर नहीं हुआ था शायद, एक बार स्टोन क्लीनर को मैं चला के देख लेता हूँ। वैसे गाड़ी में भाई कुछ भी स्टोन का होता है नहीं बट फिर भी भाई मैं चेकआउट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई कुछ मटेरियल होता है भाई जो कि स्टोन का होता है और साफ़ करने में भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट ये जो केमिकल है ना भाई पूरा का पूरा गाड़ी को उड़ा, ओ सॉरी मेरा कहने का मतलब है
गाड़ी का सारा जितना भी भाई स्टोन का मटेरियल होगा वो सबको भाई एकदम से क्लीन कर देगी। और यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया, कुछ भी यहाँ पे गंदगी नहीं बची है। और गाइस देख सकते हो भाई यहाँ पे गाड़ी एकदम भाई नई जैसी हो चुकी है, कहीं भी गंदगी मची है तो बता दो। रुक जब मैं पास से देख लेता हूँ, इधर कहीं भी मुझे कुछ भी गंदगी वगैरह नहीं दिख रही, ना ही इधर दिख रही। रुक जाए, इधर मैं दरवाजा एक चेक कर लेता हूँ, नहीं है भाई एकदम क्लीन हो चुके हैं यहाँ से गाड़ी। और इधर से भी मैं एक मिनट नीचे कुछ तो है यार, रुक जाए थोड़ा सा गंदा तो नहीं हो रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। डब्बा चेक कर ले तो डब्बा भी एकदम क्लीन है, और उसका बोनट भी भाई ऊपर से क्लीन हो चुका है, बोनट नहीं जो भी बोलते हैं यार वो क्लीन हो चुका है यार। एक बार ना मैं काम करता हूँ मल्टीपर्पज खोल के ना लास्ट टाइम इसको मैं ऊपर से स्प्रे कर लेता हूँ, ताकि जो कुछ भी बचा होगा ना वो अच्छे से साफ हो जाएगा। रुक जाए, ये ले भाई साहब लास्ट से मैं पूरा का पूरा भाई ये डब्बा जो है अब जाके क्लीन हुआ है। भाई देख सकते हो क्या हरकतें करता है भाई ये डब्बा यार, मैं पूरा स्पीड में साफ कर देता हूँ। रुक जाए क्या ले भाई साहब पूरा का पूरा ये क्लीन हो चुकी है, सारा का सारा सामान यहाँ से भाई क्लीन हो चुका है। रुक जाए साइड में थोड़ा सा ऐसे मैं भर लेता हूँ, और ऊपर से भी पूरा का पूरा यहाँ पर मैं साफ कर देता हूँ। और यहाँ पर भाई अब हो चुकी है हमारी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी, और एकदम चकाचक, कहीं भी कुछ भी गंद वंद कुछ नहीं बचा है। सो गाइस देख सकते हो फाइनली भाई अपनी ये कार वार साफ हो चुकी है, और उज्जवल भाई भी हमारे इस काम से खुश हो गए होंगे, और उज्जवल भाई भी हमें भाई अगली बार और बहुत सारी जॉब्स देते रहेंगे। सो गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया। अगर आपको ये वाली सीरीज पावर वॉश की अच्छी लगती हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि भाई पार्ट टू स्पैम कर दो, जिससे भाई मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाते रहूं। और नई नई गेम्स भी खेलने वाले गाइस, एक मैं कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला हूं, उसके अंदर मैं कुछ गेम्स के नाम लिखने वाला हूं, फटाफट से जाके वोट कर देना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। से कहता मैं जो करना तू वो कर, मेरा एम ऑन।